देसी दारू के काले धंधे को बंद करने के लिए सरकार ने पूरे गुजरात में, क्या सच में कोई धंधा छोटा नहीं होता है? और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है? सच में, लेकिन जब तक उससे किसी का बुरा ना हो, समझा? ये इसने लूटा हमारा माल। क्या अदाई कलम और इलांगो का होगा झगड़ा? क्यों इलांगो ने दिया अदाई कलम का धोखा? क्या करेगा अब रोलेक्स? हेलो, मैं हूँ पूर्णिमा, वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे अदाई कलम और अनबू इलांगो से मिलने चेन्नई जाते हैं, जहाँ पे इस बात का खुलासा होता है कि अदाई कलम और इलांगो रोलेक्स से छुप कर उसके ड्रग्स के कंटेनर्स को अपने कब्जे में ले चुके हैं और अब वो उसे किसी दुबई बेस्ड माफिया की मदद लेकर विदेशों में बेचकर मुनाफा कमाने वाले हैं। हालांकि कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब मिलकर काम करने वाले अदाई कलम और इलांगो के बीच क्लैशेस होने लगते हैं। असल में दुबई बेस्ड माफिया जहां इलांगो के ड्रग कंटेनर्स के बदले दोगुने दाम दे रहा है, वहीं पे अदाई कलम को वो माफिया कीमत से कम दाम दे रहा था। अदाई कलम को शक होता है कि भले ही उसने और इलांगो ने ड्रग्स के दो कंटेनर्स को आपस में आधा आधा बांट लिया हो, फिर भी इलांगो ने जानबूझकर अदाई कलम के कंटेनर से ड्रग्स को निकाल अपने में शामिल करा लिया ताकि उसे ज्यादा मुनाफा हो सके। वहीं जब इस बात को लेकर अदाई कलम इलांगो से सवाल करता है तो इलांगो तुरंत इस बात को नकारते हुए सफाई देने लगता है। अदाई कलम सीधे इलांगो पे इस बात को लेकर धोखेबाजी का इल्जाम लगा देता है, जिससे इलांगो जो है ना वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इलांगो समझाने की कोशिश करता है कि उसकी इसमें कोई भी गलती नहीं है, हालांकि अदाई कलम उसकी बातों में मानने के लिए साफ मना कर देता है। इस बीच अनबू की उपस्थिति में अदाई कलम और इलांगो में एक बड़ा झगड़ा हो जाता है और एक बड़ी जंग छिड़ जाती है। दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं। इसी बीच अदाई कलम को गुस्सा आता है और वो इलांगो पे गोली चला देता है। गोली सीधे इलांगो के लेफ्ट साइड पर लगती है, जिससे इलांगो एक वक्त के लिए कमजोर हो जाता है। वहीं वो अपने दूसरे हाथ की सहायता से अदाई कलम पर बंदूक से वार करता है। ये पूरा का पूरा मामला इलांगो के घर पे हो रहा था, जिससे इलांगो के आदमी उस जगह पर जमा हो जाते हैं और इलांगो पे लगी गोली को देख सब चौंक जाते हैं। इलांगो अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि वो अदाई कलम को मार गिराए। हालांकि तब तक इलांगो की बॉडी से काफी खून बह चुका था, जिससे इलांगो जमीन पर गिरता है और वहीं पर मर जाता है। दूसरी तरफ अदाई कलम के पेट पे इलांगो की गोली लगी थी, जिससे इलांगो के आदमी अपने बॉस को मरने के बाद घेर चुके थे। इलांगो के आदमी घायल अदाई कलम को तब तक मारते हैं जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती। अनबू को जब इस बात का पता चलता है कि इलांगो और अदाई कलम आपसी मतभेद की वजह से मारे गए, तो ऐसा सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। हालांकि अनबू को इस पूरे मामले में कुछ गड़बड़ होने का शक होता है, जिस वजह से वो मुंबई का रुख करता है, क्योंकि दुबई बेस्ड जो माफिया था जिससे इलांगो और अदाई कलम ने अपने ड्रग्स की डील की थी, वो वहीं आने वाला है। वैसे तो माफिया से मिलने इलांगो और अदाई कलम जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उन दोनों की मौत हो गई। अनबू अब बिना कुछ सोचे सीधे मुंबई का रुख करता है। अनबू को अपने कुछ आदमियों से खबर मिलती है कि वो माफिया मुंबई के एक 5-स्टार रिजॉर्ट में रुकने वाला है, जहाँ पे उसकी मुलाकात किसी और से भी होने वाली है। अनबू सीधे उसी रिजॉर्ट का रुख करता है कि आखिर माफिया उसे कहाँ पर मिलेगा। एक स्टाफ बताता है कि माफिया अभी रिजॉर्ट के लाउंज में है और वहाँ पर उसकी किसी के साथ कुछ खास मीटिंग चल रही है, जिस वजह से उसने पूरे लाउंज को खाली करवा दिया है। मीटिंग में माफिया इस बात का खुलासा करता है कि जैसे कि उन्होंने प्लान किया था बिल्कुल वैसे ही हुआ, जिससे अदाई कलम और इलांगो की मौत हो गई। असल में दुबई बेस्ड माफिया को पहले से ही उन ड्रग्स के बारे में पता था जिसे अदाई कलम और इलांगो रोलेक्स से छुपाकर बेचने वाले थे। इसलिए जब उस माफिया को अदाई कलम और इलांगो के प्लान के बारे में पता चलता है, तो उसने बिना वक्त जाया किए सीधे रोलेक्स को इस बात की खबर दी। इन सब बातों को सुन अनबू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसी की वजह से उसके भाई की मौत हुई थी। उसी की वजह से वो अब एक नई चाल चलता है और रोलेक्स को ढूंढ रहे विक्रम के पास जाकर उसे सारी बात बता देता है। अनबू का यूं इस तरह आना ना सिर्फ विक्रम को बल्कि बिजॉय और अमर को भी अजीब लगता है, पर जब उन्हें ये पता चलता है कि अदाई कलम अब नहीं रहा तो वो थोड़े चौंकते जरूर है। अनबू विक्रम से कहता है कि अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जिंदा रहे या फिर नहीं, पर हाँ उसे रोलेक्स से बदला पूरा करना है,
जिस वजह से अनबू विक्रम की टीम में शामिल हो जाता है और उसे रोलेक्स की सारी डिटेल्स दे देता है, जिसके चलते विक्रम की पूरी टीम आसानी से रोलेक्स और दुबई बेस्ड माफिया को अपने कब्जे में ले लेती है। वही रोलेक्स ने ये कभी नहीं सोचा था कि उसका प्लान कुछ इस तरह से पलट जाएगा, पर पुलिस फोर्स जब रोलेक्स को ले जा रही थी तो वो विक्रम की टीम और खासकर अनबू से ये कहता है वो जल्द ही वापस लौटेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्राड स्टूडियोज को।